बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं ये तोरण डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गांठ लगाएंगे, और ये पट्टी है, इसको हम आधा करेंगे इस तरह से, तरह से। अब यहाँ हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। इस तरह से जोड़ लिए हैं, फिर यहाँ हम छह चेन लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इधर जोड़ दिए हैं, फिर यहाँ तीन चेन लेंगे। यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे, यहाँ हम 12 डबल क्रोशिया करेंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, हम यहाँ जोड़ लेंगे। फिर चैन लेंगे यहाँ तीन चैन, और यहाँ जोड़ देंगे। और यहाँ हम एक चैन में दो डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो 24 डबल क्रोशिया बनाना है इस राउंड में। तो दो लाइन कंप्लीट हो गया है, नीचे 12 है, ऊपर 24 है डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे। यहाँ दो चैन लेंगे, और ये पहला डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दो चैन, एक, दो, तीन, चार, चार डबल क्रोशिया छोड़ के पांचवें में हम एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँचवें डबल क्रोशिया में तीन डबल क्रोशिया। फिर दो चैन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इसी तरह से बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। एक, दो,
फिर यहाँ दो चैन और यहाँ तीन डबल क्रोशिया है। इस बार हम पांच डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया में दो और बीच वाले में एक। दो चैन और पहले के जैसा फिर हम यहाँ बनाएंगे। पहले तो एक डबल क्रोशिया में दो चैन, दो डबल क्रोशिया, फिर एक और दूसरे में दो डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरा बना लेते हैं। तो हमने ये राउंड भी बना लिया है। फिर हम दो चैन लेंगे, एक डबल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया, फिर एक और यहाँ पर भी एक, तीन डबल क्रोशिया बीच में। उसके बाद में फिर यहाँ दो किनारे किनारे दो बनाना है डबल, एक तीन, फिर पाँच, फिर सात, फिर नौ और उसके बाद में ग्यारह। इसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है और यहाँ दो चैन, दो दो चैन लेना है। तो इसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है। ग्यारह डबल क्रोशिया कंप्लीट होने के बाद फिर हम बताएंगे आप लोगों को। तो हमने ये राउंड भी बना लिया है। फिर हम दो चैन लेंगे, एक डबल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया, फिर एक, फिर एक और यहाँ पर भी एक, तीन डबल क्रोशिया बीच में। उसके बाद में फिर यहाँ दो किनारे किनारे दो बनाना है डबल, एक तीन, फिर पाँच, फिर सात, फिर नौ और उसके बाद में ग्यारह। इसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है और यहाँ दो चैन, दो दो चैन लेना है। तो इसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है। ग्यारह डबल क्रोशिया कंप्लीट होने के बाद फिर हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः राउंड बना लिए हैं और यहाँ तेरह डबल क्रोशिया हुआ है। अब हम एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया छोड़ के डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनेगा, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। फिर
एक दो तीन 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 डबल क्रोशिया छोड़ के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया छोड़ के फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी हम नौ डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार पाँच छः सात आठ नौ और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये बनेगा। तो हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। धागा काट दी। यहाँ अब फिर हम रेड कलर लगाएंगे। यहीं से हम शुरू करेंगे। सिंगल क्रोशिया अब हम यहाँ 15 सेंट लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। अब हम यहाँ ला के जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया के यहाँ। तो इस तरह से चैन बना लिए। अब हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। चौदह तीन चेन लेंगे हम यहाँ। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। दस डबल क्रोशिया के बाद ये हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। हाफ क्रोशिया रहेगा इस तरह से। फिर यहाँ चैन लेंगे।
इस तरह से हम बनाएंगे हैं। फिर यहाँ हम फिर से तब 10-11 चैन बनाएंगे। 2 तो कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी किया करें।